सुबह सुबह बारिश चेक करो यार, कितनी तेज स्टार्ट हो गई है और कैसा तेज पानी जा रहा है जल्दी जल्दी। तो यार मुर्गा चेक करो कैसा खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ है बिल्कुल। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज अगर हम मौसम की बात करें तो आज बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे सारे पिंजे जो है सारे भीगे पड़े हैं, क्योंकि उस दिन परसों रात में बारिश आई थी जो आपने इंट्रो में देखा होगा स्टार्ट में कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो वो गली की वीडियो थी तो मैं दिखाने वाला था, लेकिन ना यार मैं बाहर मोबाइल किया तो सारा भीग रहा था, इस वजह से बारिश तेज़ थी, तो इस वजह से मैं सही से दिखा भी नहीं पाया। और जो है पूरी छत साफ करनी है यार, पूरी छत भी गंदी हो रही है बारिशों की वजह से, ना गंदगी भी हो गई है और हमारी पिंजरों की वजह से भी सारा गंदा हो रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने ये सोचा है कि ना अब हम सारे ये जो बड़े वाले असील चिक्स हैं ये सारे बेच देंगे, और मैंने ये एड वगैरह भी लगाए हैं ताकि ये बिक जाएँ। तो देखते हैं अब कब बिकते हैं कब नहीं बिकते। मैंने ये सारे पाँचों ये वाले मुर्गे भी लगा दिए बेचने के लिए, तो देखते हैं अब कब बिकते हैं कब नहीं बिकते हैं। और यार मौसम ऐसा प्यारा हो रहा है, आज का सुबह का टाइम हो रहा है लेकिन मौसम ऐसा ज़बरदस्त हो रहा है, तो आज दिल चाह रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन ना कोई है ही नहीं किसके साथ जाएं बाहर, अकेला बंदा क्या करेगा बाहर जाके। लेकिन बात अगर मौसम की करें तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ऐसे बादल हो रहे हैं और ना मौसम अच्छा हो रहा है, धूप वगैरह कुछ भी नहीं है, ये मौसम हो रहा है बिल्कुल। कल इस टाइम पे तो बारिश हो गई थी लेकिन आज बारिश वाला मौसम नहीं है, बस वैसे बादल हो रहे हैं लेकिन धूप नहीं है कहीं भी, धूप वगैरह कहीं भी नहीं है, बस वैसे ही बादल हो रहे हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा ही कि ना अब मैंने सोचा कि जो हमारा पीछे ये वाला पिंजरा है ना, ये वाले पिंजरे को तोड़ेंगे पूरा, और तोड़ के इसका जो ये फ्रेम बचेगा फ्रेम निकालेंगे, क्योंकि फ्रेम बिल्कुल सही है, वो फ्रेम निकाल के इसको हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारे दो केज बने हुए ना यहाँ पे, ये वाले केज को तोड़ के या फिर इसकी सही से सेटिंग करके, ठीक है, ये आगे का छज्जा हटा देंगे और यहाँ पे वो वाला फ्रेम लग जाएगा उस तरह वाला। ओहो हो चिपकली थी, चिपकली भाग गई वहाँ पे, वो जा रही। तो भाई इसी के साथ साथ माशाल्लाह हमारे पौधे भी अच्छे हो गए, बढ़ गए काफ़ी, क्योंकि ना बारिश आई थी ना, तो बारिशों की वजह से अच्छे खासे पौधे हो गए हमारे। ये जो है अरबी का पत्ता है, माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े हो गए, ये देखो भाई। और ये वाला पत्ता भी बड़ा हो गया था, लेकिन ये हमारी चीनी मुर्गी ना इसके काम है, ये खा जाती है, और काफ़ी पत्ते बड़े हुए थे लेकिन ये तोड़ तोड़ के फेंक देती है, तो इस वजह से सारे ज़ाया हो गए थे। लेकिन अभी मैंने ये जाली लगाई हुई थी यहाँ पे, इसी वजह से ये तीन पत्ते जो हैं ये बचे हुए, और एक छोटा वाला पत्ता आ रहा है वो पीछे। और इसके अलावा ये मिर्चों का पौधा लगा हुआ है, लेकिन अभी इसमें मिर्च वगैरह तो नहीं आ रही, बस वैसे ही भड़ रहा है पौधा। और ये पत्ते बड़े हो गए माशाल्लाह से, सही हो रहे हैं। इसके अलावा ये कड़ी पत्ते का है, ये भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, नहीं तो ये भी रुक गया था, लेकिन अब ये अच्छा खासा बढ़ रहा है। बारिशों की वजह से सारे पौधे जो है हमारे अच्छे हुए हैं। तो भाई ये लगा देता हूँ वापसी, क्योंकि ऐसा ना हो चीनी मुर्गी खुल बुल जाए और फिर ये सत्यानाश कर दें यहाँ पे पौधों का। तो इस वजह से यार ये बेचारे पूरे भीगे पड़े हैं, इनके पिंजरों में भी पानी हो रहा है, जैसे कि इस वाले केज में हो रहा है, जैसे इस केज में हो रहा है पानी, इसी तरह से इसमें भी हल्का फुल्का सा पानी है। लेकिन अब मैं खुद ही साफ़ नहीं कर रहा, मैं कहा यार बार बार साफ़ करो और बार बार जो है पानी भर जाता है, तो मैंने सोचा कि अब बिल्कुल भी हम साफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, और अब सिर्फ इनको बेचेंगे, अगर दो एक दिन में बारिश सही रुक गई तो उसके बाद साफ़ कर देंगे, क्योंकि रखना तो होगा ना इनको, थोड़ा बहुत साफ़ वाफ करके जैसा पहले साफ़ कर दिया था बिल्कुल इस तरह से साफ़ करेंगे इनको। उसके बाद जो है ये वाला पिंजरा तोड़ के इसको सेटिंग से वहाँ पे बनाने वाले हैं, और अपने ये सारे असील जो है बेचने वाला हूँ, क्योंकि ना बड़े हो रहे हैं और गंद भी ज़्यादा कर रहे हैं और दाना भी भाई बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से अब मैं इनको सबको बेच दूँगा और फिर इसके बाद दूसरे लेके आएंगे। पहले जो है सेटिंग से पिंजरे बनाएंगे, उसके बाद जो है अच्छे अच्छे लेके आएंगे, लेकिन अब मैंने सोचा कि पहले पिंजरे बनाए जाएंगे उसके बाद फिर लेके आए, क्योंकि यार मैंने बस जल्दी जल्दी में पिंजरे ऐसे बना लिए इसी तरह से और इनकी छत वगैरह बनी नहीं, तो अब मेरे को पता चल रहा है कि बारिश में क्या हाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब बारिश में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कि पहले पिंजरा बनेंगे उसके बाद मैं चीज़ें लेके आऊँगा। बारिश होते सिर्फ हमारे पौधों पर ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मतलब पौधे हमारे अच्छे खासे हो गए, लेकिन ना हमारे जो केज थे वो सारे भर गए, इतना इतना तकरीबन पानी हो गया था केज में, फिर मैंने रात में ही निकाला। उस दिन जो रात में बारिश हुई थी यार परसों,
पता नहीं परसों या कल बारिश हुई थी तो बहुत तेज़ हुई थी, इस वजह से हमारा सारा केज वगैरह सारे केज भर गए थे। तो भाई बहुत मसला हो रहा है केजों में और हमारे परिंदे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि यार इनको सबको बेचता हूँ और फिर आगे आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं इस वजह से। देखा तो सही यार बेचारे कितने गंदगी में बैठे हैं। तो अभी धूप वगैरह भी नहीं आ रही ताकि मैं धूप आए तो ये ऊपर से सारा हटा के इधर धूप वगैरह लगने दूँ, थोड़ी इनको बाहर निकाल दूँ, लेकिन धूप भी नहीं आ रही। धूप आए तो फिर थोड़ा ये सूखेगा, इधर का तो सूख गया लेकिन यहाँ का नहीं सूखा है अभी तक। यहाँ थोड़ी सी कीचड़ है क्योंकि यहाँ पर रात में पानी भर गया था जब बारिश हुई थी, तो इस वजह से अभी हमारे मुर्गों के रेट भी लग रहे हैं। मैंने जो एड वगैरह लगाए हैं लेकिन पैसे कम लग रहे हैं, तो इस वजह से अभी मैं सेल नहीं कर रहा। जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर मैं इन तीनों को भी, इन दो को भी, टोटल पाँच है तो पाँचों को मैं सेल कर दूँगा। और जब हम ये वाले फ्रेम को उठा के उस तरफ लगाएंगे और फिर इसमें अभी एक और ये दो गेट बने हैं, मतलब दो खाने बने हैं बड़े बड़े, तो फिर मैं बना दूंगा इसमें चार खाने, एक दो तीन चार। फिर इसमें छोटे छोटे से चिक्स रखेंगे और फिर वो आराम से दे लेंगे छोटे छोटे खानों में भी, क्योंकि छोटे खाने नहीं होंगे तकरीबन बड़े ही होंगे। अगर इस खाने का भी हम आधा कर दें तो अच्छे खासे खाने बन जाते हैं, तो फिर ये हमारे चार केज बन जाएंगे एक ही फ्रेम के। लेकिन ये मैं काम करूँगा और ये काम करूँगा मैं बारिशों के बाद, क्योंकि अभी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी बनाऊँगा फिर वही पानी वगैरह भर जाएगा, तो बारिशों के बाद बनाएंगे और फिर इनको भी सेल कर दूंगा, तो फिर पैसे ऐसे भी आ जाएंगे अच्छे खासे हमारे पास। उसके बाद फिर हम लेके आएंगे एक अच्छे अच्छे से चिक्स लेके आएंगे जो अच्छी नस्ल के होंगे, फिर वो रखेंगे अच्छा सा एक सेटअप बना के, एक पीकेज रखेंगे लेकिन उसी में ही फिर अच्छा सा करके उसको रखेंगे। तो ठीक है फिर यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ।